मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रुपये 950 को ए बी व सी में 5:11:3 के अनुपात में बांटा गया है। ए व बी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि 950 रुपये आपके पास है और ए बी सी सपोज कोई तीन लोग हैं जिनमें हम क्या कर रहे हैं, उस 950 को 5:11:3 के अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ए व बी के भागों का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए का जो हिस्सा होगा, यानी कि हाल में लिखेंगे कि ए का हिस्सा, यानी कि ए को क्या मिलेगा, तो ए का हिस्सा या ए का पार्ट हम बोल सकते हैं, ए का हिस्सा होगा यहाँ पे। आपको पता है कि रेशियो क्या है, 5:11:3 है, तो हम ए का हिस्सा जो होगा उसको लिख सकते हैं के फॉर्म में, यानी 5K। इसी प्रकार से जो बी का हिस्सा होगा वो होगा आपका कितना, 11K। ठीक है, और सी का जो हिस्सा होगा वो होगा आपका 3K। क्योंकि अभी K क्यों लगाया, क्योंकि हमने रेशियो को हटा दिया। और जब रेशियो को हटाते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हम उसमें K एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि ए बी सी को इसका मतलब क्या मिला, 5K, 11K एंड 3K उनको मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितना कितना मिला अभी भी, क्योंकि K की वैल्यू अभी हमारे लिए अननोन है। तो यहाँ पे देखिए आप कि 5K प्लस 11K प्लस अगर मैं 3K को जोड़ूंगा तो आपको पता है किसके बराबर आएगा, 950 के बराबर आएगा। क्यों आएगा 950 के बराबर, क्योंकि 950 को ही तो हम बांट रहे हैं। तो हमने कहा कि ए को कितना मिला, 5K, बी को मिला 11K और सी को मिला था 3K। इसका मतलब इनको जोड़ के फिर किसके बराबर हो गए, 950 रुपये के बराबर। अब इनको ऐड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5K प्लस 11K कितना हो जाएगा, 16, और 16 प्लस 3 यानी 19K, 19K इक्वल टू 950। तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका 950/19। तो आप यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 5 कितना होता है, 95। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि A व B के भागों का अंतर ज्ञात करना हमें, तो A का भाग कितना है, A का जो हिस्सा है वो था आपके पास 5K और जो B का हिस्सा था वो था आपका 11K। तो इनका जो अंतर होगा, अंतर कितना होगा, अंतर होगा आपका 11K-5K। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6K। ठीक है, तो अंतर निकालना था, यानी कि अंतर तो 6K आए, लेकिन K की वैल्यू क्या है अभी आपके पास, 50 यानी कि 50। तो कितना हो जाएगा ये, 6 5 30 यानी कि 30, तो ये हो जाएगा 300। मतलब 15 × 6 कितना हो जाएगा, 300। तो उनका अंतर कितना होगा A व B के, ये हमें निकालना था कि A व B के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आया आपका 300 रुपये। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यहाँ पे आपको दो संख्याएं जैसे आपको दिख रही है, उनमें क्या है अनुपात है, 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या से 27 अधिक है, ये 8 है ध्यान दीजिएगा, तो दोनों संख्याओं को योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे लिखेंगे हम हल, यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि अनुपात क्या दे रखा है आपको, जो अनुपात है वो आपके पास गिवन है 8:5 यानी कि 8:5। ठीक है, तो इसका मतलब दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या ले लूँगा मैं, पहली संख्या ले सकता हूँ मैं, जैसे आपको पता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे किया था, 8K, और दूसरी संख्या को ले लूँगा मैं क्या, 5K। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है तो उसको ब्रेक करना है, तो उसको ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते कि मैं उसको 8 लिख लूँ और दूसरे वाले को 5, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट के साथ, यानी 8K एंड 5K। अब बोला जा रहा है आपसे कि यदि बड़ी संख्या छोटी से 27 अधिक है, तो आपको पता है कि ऑब्वियसली 8K बड़ा होगा और 5K क्या होगा, छोटा होगा। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ी संख्या है, यानी बड़ी संख्या कितनी है, 8K है, वो कितना अधिक है, 27 अधिक है छोटी से, यानी कि 27 को जब मैं प्लस करूँगा
छोटे में, तो तब जाके वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 27 अधिक है, तो इसका मतलब ऐड किधर होगा, इधर होगा, समझ में आता है। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8k माइनस 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8k में से 5k गया तो कितना बचेगा 3, यानी कि 27। अब देखिएगा कि k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27/3, ये 3 का डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 9, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मेरा काम जो था, एम था, वो था k की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखिएगा यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का योग, योग माना जोड़, सम, सम कितना होगा 8k प्लस 5k, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13k। और आपको पता है कि यहाँ पे 13 और k की वैल्यू आएगी आपकी 9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 117, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका सम आ जाएगा दोनों संख्याओं का। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, फिर क्या है, दो संख्याएं हैं उनमें 9:11 का अनुपात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा हल में कि आपको जो अनुपात गिवन है यानी दिया हुआ है वो है 9:11, ठीक है। तो यदि दोनों संख्याओं का योग 660 है, ठीक है, दोनों संख्या है जो उनका योग कितना है 660 है, योग मीन्स सम, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि उनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो अनुपात है उसको हम ब्रेक करते हैं। जैसे आपने दो क्वेश्चनों में देखा कि जो पहली संख्या होगी यानी फर्स्ट संख्या जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, वो होगी आपके पास 9k और दूसरी संख्या आएगी आपके पास 11k, क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या है, योग मीन्स उनका जोड़ कर लीजिए आप, कितना जोड़ करके आएगा 660 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 + 9 कितना हो जाएगा 20k, ठीक है। तो इससे हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 660/20, इससे कैंसिल आउट होगा, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33, ठीक है, 23 जा ये कैंसिल आउट होगा ना, 23 जा 6 एंड 23 जा 6। अब बोला जा रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर जब हम निकालते हैं तो हमेशा जो है बड़ी संख्या में से, यानी कि बड़ी संख्या क्या है के 11k है और छोटी संख्या क्या है 9k, उनका उनको घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा 11k में से 9k गए तो क्या हो जाएगा 2k। अब 2 इंटू के की वैल्यू आपके पास पता है 33 आया है बेबी, तो ये कितना हो जाएगा 66, तो उनका अंतर कितना होगा 66। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।